What is your journey and what all you have done to achieve this particular height? So, पहले रिवर्स चालू करते हैं. Right. तो मेरी कंपनी अभी 1.5 साल पहले इट वेंट टू लिक्विडेशन. Sucam. Okay. And थोड़े चैलेंजेस थे लाइफ के, चलो कोई बात नहीं. Right. So I started another company and you know I'm running another company right now. Right. But कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है लाइफ में. Right. ठीक है, हाथ से हो जाते. Right. And अब शुरू करता हूँ नंबर वन से, ताकि लास्ट वाला पहले पता है ना, फिर आगे चालू करना आसान रहता है. So that we are on page. Right. कंपनी मैंने शुरू करी थी in 89. Okay then. So I did my graduation in statistics. Okay. And जब मैं graduation कर रहा था, तो मैं अपने brother के साथ pen बेच रहा था. Okay. Pen industry में, मतलब I used to go to dealer, distributors और जाके pen बेचा करते थे. ब्रांड करते थे पेन और जाके बेचते थे. पहले किसी और का ब्रांड बेचते थे. Okay. धीरे अपने ब्रांड बेचना शुरू किया. तो स्कूल में चालू हो गया था मेरा काम, मतलब 11-12 से. Okay, great. मेरा ब्रदर जो था वो 12th के बाद उसने आगे कोई स्टडी नहीं करी, तो he was doing his business. Alright. तो उसके साथ मैं भी चला जाता था. Okay. तो पैसा कमाना तो बहुत जल्दी आ गया था मैं. Alright. तो और हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हमारे प्रॉब्लम आप रेलवे वाले तो आप समझ सकते हो, मेरे फादर को बिजनेस करने का बड़ा शौक था. अच्छा. तो उन्होंने जब भी जो बिजनेस करा, उनका जो पार्टनर था वो बिजनेस ले जाता था, क्योंकि वो रेलवे की जॉब छोड़ते नहीं थे. वो टाइम पर अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे, अपना टाइम इन्वेस्ट करते थे, जैसे काम चलने लगता था. राइट. तो ही यूज्ड टू टेक दैट बिजनेस. राइट. तो उस केस में क्या हुआ, काफी घर में लीगल झगड़े थे, बाकी झगड़ा था, और फादर का बड़ा इंटरेस्ट रहता था कि मैं बिजनेस चालू करूं. उन्होंने बड़े सारे बिजनेस किए लाइफ में. Right. तो उनका जो पैसा था वो सारा का सारा वहां चला जाता था. Right. और घर में कोई और अर्निंग मेंबर था नहीं, तो इट वाजंट दैट इजी, यू नो, मनी पार्ट वाज नॉट इजी एट ऑल. तो मेरे बड़े ब्रदर ने बिजनेस शुरू किया, फिर मैंने भी उनके साथ लग के काम करना शुरू किया. तो जब मैं कॉलेज कर रहा था, ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली आई वाज वर्किंग विद हिम. तो उसके बाद फिर मैं तब तक थोड़ा सा वो ही बिकेम सेटल्ड एंड तो Then I went, फिर हमने नई सड़क की दुकान खरीद ली थी. Okay. वो चला रहे थे. Right. फिर मैंने जब ज्वाइन छोड़ा कॉलेज, तो मैंने नई सड़क की दुकान ज्वाइन करी उसको. Right. और मैंने ये जो सुकैम ब्रांड था, ये सोचा हुआ था कि मैं पेन पे लगाऊंगा. मैं कॉलेज से सोच के आया था ये ब्रांड. Okay. Right. तो उस ब्रांड के चक्कर में मैंने, मतलब यू नो, ब्रदर के साथ काम किया. तो ब्रदर का ये था कि भाई यार काम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना. Okay. और मुझे था नहीं यार, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएंगे तो कैसे ब्रांड बनेगा. Right. तो थोड़ा झगड़ा था. तो 2 साल मैंने उसके साथ काम किया. Okay. और फिर मैंने उसको छोड़ा काम को, फिर मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली. एक्चुअली मैं नौकरी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था परिवार में कि भाई, अब तो आपको पता ही, फादर थे, वो कह रहे थे चल यार तुम दोनों काम खड़ा करा है, खड़ा करो, तो एक और दुकान ले ले. Right. मैं कह रहा था यार अपने ब्रदर के साथ क्या कंपटीशन करना, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या करना है लाइफ में. Right. तो मैंने फिर एक घर बैठा था, तो एक कोई दोस्त आया, उसने कहा भी क्या कर रहा है, मैंने खाली बैठा, उसने कहा चला जा नौकरी कर ले. मैंने कहा चलो ठीक है. तो मैं ऐसे तरह नौकरी करने चला गया. कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. सेल्स जॉब थी, 2 साल काम किया. वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में थे, केबल टीवी इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की. तो अपना दिमाग तो बिजनेस करने का ही था. Right. तो वहाँ के एक इंजीनियर को पकड़ा, चल भाई चल काम करते हैं. ने कहा हाँ करते हैं. अपन कंपनी को नहीं छोड़ी, रिजाइन करा और बाहर आके काम करना शुरू कर दिया. Right. वो जो इंजीनियर था उसने रिजाइन करने से मना कर दिया. बॉसेस को पता लगा यार ये तो दोनों साले अपने काम खड़ा करेंगे बाहर जाके. उन्होंने मुझे भी कहा, लालच लुलच दिया कि तू आ जा, हम तेरे को ये दे देते हैं वो दे देते हैं. हमने कहा ना भाई, हम तो निकल गए. वो जो इंजीनियर था वो साल अंदर ही रह गया. और मैंने बड़े सारे काम कुम पकड़ लिए थे. और तो फिर खैर कुछ आता जाता था नहीं टेक्निकल. Right. तो शाम को उन्हीं के पुरानी कंपनी के बंदों को लाके रात को उनसे काम कराना, ये कराना, पर वो ज्यादा चला नहीं, क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट था नहीं काम करने का. पैसे कमाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता. Right. कर करा के फिर, मतलब एक्सपीरियंस लेके लाइफ में, चलो ठीक है, खुद सीखना शुरू करा, तारे वारे खुद डालनी शुरू करी, प्रोडक्ट लगाना सीखा अपने आप. Right. लोगों के साथ, और फिर अपने लोग लिए, 2-3 उनको ट्रेन करना शुरू करा. ऐसे करके केबल टीवी के बिजनेस में हम घुस गए. सेल्स तो पहले आती थी, सेल्स तो बड़े सालों से कर रहे थे, 10वीं 11वीं से चालू हो गए थे. राइट. तो
केबल टीवी के इंस्टॉलेशन वगैरह करनी शुरू करी, फिर धीरे धीरे समझ आया यार कि मैन्युफैक्चरिंग में घुसना है। मैन्युफैक्चरिंग का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, खैर इधर उधर से लोग ला के हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी। वहाँ पे भी आपको पता ही है मैन्युफैक्चरिंग में पहले शुरू में बड़े बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, बेवकूफ़ बने, प्रोडक्ट बनाए, फेल हो गए, लेकिन करते करते हम मैन्युफैक्चरिंग में घुस गए। और केबल टीवी वाज इन अ बूमिंग स्टेज इन 92-93, तो उस टाइम पे हम उसमें घुस गए और अपना एम्पलीफायर बनाए, सैटेलाइट रिसीवर बनाए और बड़ी सारी चीजें बनाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स की थी उस टाइम पे। करते करते हम ठीक ठाक चलने लग गए, अपनी अच्छी खासी टर्नओवर हो गई, लोग थे, तो एक लोग इकट्ठे हो गए एंड डिस्ट्रीब्यूशन करनी शुरू कर दी। पहले केबल टीवी हम खुद इंस्टॉल करते थे, धीरे धीरे हमने प्रोडक्ट बनाने शुरू करे तो हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी शुरू कर दी, इंस्टॉलेशन बंद कर दी, इंस्टॉलेशन में लोगों को दे दिया कि आप जो करना करो। एंड वो बिजनेस भी ठीक चल रहा था। फिर 97-98 के अंदर देखा यार इन्वर्टर, मेरे घर में कोई इन्वर्टर लगाने आया हुआ था, बार बार आता था, प्रॉब्लम करता था। मैंने उसे पूछा भाई बता यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, कह रहा आपको नहीं समझ आएगा। हाउ आर यू? तो फिर हमने कहा चलो यार अब इसने चैलेंज दे ही दिया तो चलो हम भी कुछ कर लेते हैं। हमने इन्वर्टर वोटर खोला, खोल के मैंने फिर उसमें देखा अंदर बोर्ड वोर्ड बड़े गंदे थे। हम जो केबल टीवी में बोर्ड बनाते थे वो पीटीएच के बोर्ड थे, बड़े अच्छे बोर्ड थे एंड उसमें क्वालिटी जो मुझे दिखी तारे और ये सब कुछ गंद। तो मैंने कहा यार पता किया सब कलकत्ता से माल आ रहा था, तो लोग कलकत्ता से लेके यहाँ तारे तुरे लगा लू के जोड़ जाड़ के बेचते थे। फिर हमने उसमें भी कनाडा में मेरा एक दोस्त बैठा था, उसको मैंने बोला यार वहाँ क्या, वहाँ उस टाइम ना आरवीज के अंदर एक इन्वर्टर लगता था, रिक्रिएशन व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर एक इन्वर्टर लगता था जिसमें फ्रिज टीवी चलाते थे, बड़ी वैन जो लेके जाते थे, वो इन्वर्टर देखा, जो यहाँ के इन्वर्टर थे वो देखे, मिला जुला को एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी। क्योंकि उस टाइम इन्वर्टर जो थे जो इंटरनेशनल में बिक रहा था, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट, उनकी रिक्वायरमेंट बड़ी डिफरेंट थी, उनके घरों के लिए तो चाहिए नहीं था, सो दे डिडंट डेवलप दैट टेक्नोलॉजी। और इंडिया में गंदा प्रोडक्ट बिक रहा था, अफ्रीका मिडिल ईस्ट हमसे भी नीचे था। तो फिर हमने प्रोडक्ट बनाया और मतलब लगा एक डेढ़ साल मतलब हवा में आर एन डी भी करने वाले कौन लोग थे, आरएफ वाले, हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। फिर हम एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक दो बच्चे जो काम कर रहे थे 2-3 साल से, कोई व्हील चेयर पे लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पे, कोई इधर उधर, उनको उठाया और चैलेंज दिया कि चलो यार बनाते हैं। बनाया, एक बनाया, थोड़ा चला, फिर फेल होता गया, चलता गया। करते डेढ़ एक साल में जो इन्वर्टर बन रहे थे बाजार में उनका ये हाल था कि वो बैटरी तो खराब ही करते थे, 6 महीने में बैटरी खराब हो जाती थी, 1-1.5 साल में बैटरी को बंदा समझता था मेरा बदलना है, लेकिन वो बैटरी 6 महीने में खराब हो जाती थी क्योंकि चार्जिंग कॉन्सेप्ट ये सब कुछ सब बकवास था। तो और हाउस होल्ड इंडस्ट्री थी, हर मतलब घर में बंदा 400-500 बनाता था। तो हमने पहली बार एक पीसी भी बनाया पीटीएच, और उस देखने में बड़े अच्छे लुक्स थे और बड़ी सारी आईसी लगी हुई थी उस पे, वो बाजार में दिया। तो डेफिनेटली लोग थोड़े से वो देखते गिर गए कि क्या चीज आ गई। और हमने मॉस्फेट बेस बनाया उस टाइम, इन्वर्टर बनते थे ट्रांसफर बेस्ड, तो बहुत मतलब ब्यूटीफुल प्रोडक्ट था लुक्स में, तो लोग कह रहे हैं तो देखने लायक है, मतलब यू नो अंदर से खोल के देखने लायक है, लेकिन चलेगा नहीं चलेगा उसकी गारंटी नहीं थी। बट स्लोली हमने काम करना शुरू किया और लोग और लेते चले गए और हमने उसको इम्प्रूव करते चले गए। फिर उसमें साइन वेव इन्वर्टर बनाया, फिर बड़े इन्वर्टर बनाए, फिर और बड़े इन्वर्टर बनाए। फिर हमें नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, हमें अपनी दुनिया में पता था क्या हो रहा है। फिर 2002 के बाद हमने पेटेंट फाइल करने शुरू करे। तो जो पहला पेटेंट डाला हमें समझ नहीं थी पेटेंट क्या होता है, गलत पेटेंट डाला। फिर 2004 के बाद वी स्टार्टेड यू नो पुटिंग गुड पेटेंट्स, हमें समझ आ गया था पेटेंट कैसे डालते हैं। I think you have, I think a lot of number of patent, I think Richard. Highest patent in the world in my industry. I've heard that. Yes. So we have filed more than 100 patents and out of 100 we have got 35 patents. और इंडिया में 10 साल से ऊपर पेटेंट लग रहा था लेने के लिए, तो बड़े सारे पेटेंट ले लिए, कोई भी फेल नहीं हुआ आज तक, एक पेटेंट फेल नहीं हुआ मेरा, सब टेक्नोलॉजी पेटेंट्स हैं। डिजाइन पेटेंट तो पता नहीं क्या 500-600 डाल दिए। तो ऐसे कर करके बस बनाते गए, आरएनडी बढ़ती गई, कंपनी बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता गया। फिर हम एक्सपोर्ट करने लग गए,
श्रीलंका में पहले शुरू किया था एक्सपोर्ट, फिर अफ्रीका, मिडल ईस्ट में नाइजीरिया, घाना, केन्या, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, फिर मिडल ईस्ट में काम चालू हो गया. मतलब ऑलमोस्ट वी वर एक्सपोर्टिंग टू 90 कंट्रीज. तो जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर था दैट इटसेल्फ वाज 200 करोड़. टोटल 1000 करोड़ का टर्नओवर था जिसमें 200 करोड़ एक्सपोर्ट का था. तो खैर डिस्ट्रीब्यूशन खड़ी करी, मार्केटिंग खड़ी करी, ब्रांड खड़ा करा. इंडिया में तो कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं, नॉर्थ ईस्ट क्या, साउथ क्या, एवरीवेयर वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन. राइट राइट. आई थिंक यू आर वाज द ओनली ब्रांड आई थिंक जिसके मैं बोर्डिंग दिखता था या न्यूज़पेपर में ऐड चलती थी. बिकॉज़ आई थिंक आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन दैट टाइम 95-98 की बात कर रहा हूं बेसिकली. एंड सिंस आई बिलोंग टू गाजियाबाद व्हिच इज इन उत्तर प्रदेश, पावर वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम देयर. इवन टुडे देयर इज अ प्रॉब्लम. इवन टुडे इज अ प्रॉब्लम, बट स्टिल इट इज अ बैड वन, बट स्टिल यू कांट अफोर्ड टू नॉट टू हैव अ इन्वर्टर इवन इफ यू हैव एवरीथिंग एट तो एडवर्टीजमेंट करनी शुरू करी टीवी में, अखबार में. सब पहले छोटे छोटे अखबारों में शुरू करी, फिर टीवी में शुरू करी, होर्डिंग लगाए. एंड होर्डिंग हमने ऑल इंडिया में लगाए और कभी उसके नीचे नहीं लिखा इन्वर्टर, हमने उसे लिखा सुकैम, दैट्स इट. बिगेस्ट मिस्टेक नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि एक पैशन है काम करने का. तो हमारा चैलेंज क्या है कि हमारा, मेरा सारा दिमाग टेक्नोलॉजी पे लगता है. आई लव यू नो मेकिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड वर्किंग ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज. मेरा इंटरेस्ट कमर्शियल में नहीं आता, एचआर कमर्शियल में नहीं आता. जबकि एक लेवल पे जब कंपनी आ जाती है ना, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड एचआर एंड यू नो फाइनेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट राइट. सो आई थिंक दैट वाज माय चैलेंज ऑफ लाइफ दैट आई डिडंट गेट इंटरेस्ट इन दैट. एचआर में भी ठीक है, लोगों को मोटिवेट कर दिया, लेकिन हायरिंग का कॉन्सेप्ट गलत हो गया, हायर नहीं कर पाए ठीक लोग. एंड मॉनिटरिंग ठीक नहीं थी लोगों की. एंड आई थिंक दैट चैलेंज एग्जिस्टेड मी टुडे आल्सो. मेरा मतलब 90% टाइम आई लव डूइंग यू नो टेक्नोलॉजी. That's been your passion. That's where you started. Passion कह लो या बेवकूफी कह लो, जब आप mistake कह रहे हो ये मेरी सबसे बड़ी mistake है. उसकी वजह से मैं बड़ा हुआ, लेकिन उसकी वजह से भी फिर अटक भी गया, क्योंकि technology पे काम करना एक level तक तो ठीक होता है. right, उसके बाद if you don't work on your people and you know your organization, right. things start going you know right. bad. Right, like, मैंने बड़ा ऑब्जर्वेशन किया है कि जो द वे वी स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया, अगर आप अलग अलग जर्नी आप देखेंगे, so, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं, तो मैं इस पे कुछ बोल नहीं सकता. मैं तो कभी मैं दोबारा सब इन्वेस्ट कर दिया. राइट. सो व्हाट इज इट राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच और व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, लाइक हाउ डू यू लुक दैट. सो देखो ऐसा है, इट्स अ राइट अप्रोच. वन हैज टू बिकम कॉन्शियस. जब तक कुछ नहीं है खोने के लिए, तब तक क्या है, जो मर्जी कर लो. और माइंडसेट भी शुरू शुरू में ये चाहिए चाहिए. आफ्टर दैट यू हैव टू, वही मैं बोल रहा हूँ ना, आपको फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और एचआर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस टाइम फिर सब कुछ आप दांव पे लगा दो, कोई जरूरी नहीं है ना. जो मैंने गलती करी मुझे नहीं लगता बाकी लोगों को करनी चाहिए. You reach to an orbit like where you do X number of volume by something like that. But कभी कभी क्या होता है ना, वो orbit सब कुछ लगाने के बाद वो orbit break होएगा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ultimately फिर उस time आपकी dependency लोगों पे आ जाती है, team पे आ जाती है, और team वो passionate इतनी passionate होएगी आगे काम करेगी, वो जरूरी नहीं है. तो मुझे लगता है वो cautious approach is better rather than having unconscious, मतलब उसमें दूसरी approach तंग कर देगी. क्योंकि आपको देखो, आपके जो team के लोग आते हैं, कुछ आते हैं, उनका वो इतना थॉट तो बड़ा होता नहीं है. वो तो कहते हैं ठीक है यार, जो लाला कह रहा है कर देते हैं. उनको तो अपने सैलरी से लेना देना होता है. उनको क्या फर्क पड़ता है कि कंपनी ऊपर जाए नीचे आए. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली.
And how important you think is like how you said that you are not able to shift from being an electronic engineer or being somebody who's passionate about it. I'm not an electronic engineer. Maybe I think, but so your interest maybe design by default. I think you by default get into that. So I think how important right now for you that once you separate units and not being passionate about only one thing. How important that. It's very, very important. Otherwise, you will not scale up and you will start getting into bigger problems. Because then it, you know, that's why I'm telling you that HR and finance becomes the most important thing. Right. But if your business established, if you have HR and finance, then you have to manage the whole company. Absolutely. Absolutely. Because if you have done the right hiring in HR, और अगर एचआर में आपको पता भी कौन बंदा काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा और उसको उसकी सैलरी भी उसी तरह से आपने अपने हाथ से करे गलती अपने हाथ से काम करे right. तो गलती नहीं होगी right. किसी को दे दिया तो उसने तो उजाड़ देनी है कंपनी आपकी right. Right. और फाइनेंस में सब कुछ पता है कि कौन right. बंदा कितना खर्चा कर रहा है और लेके क्या आ रहा है right. तो ये दो चीजें अगर आपने कंट्रोल कर ली तो कंपनी कंट्रोल कर ली एंड हाउ इंपॉर्टेंट यू थिंक इज द कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रांड How does that customer experience is always very important, but क्या है ना once the organization become bigger तो वो customer experience आपको directly आ रहा है नहीं आ रहा आपके system processes में अच्छे हैं कि नहीं that because आपका उतना touch तो रहता नहीं है right. तो system processes अगर आपके strong हैं और right. आपने ठीक लोग hire किए हैं आपके पास input ठीक आ रही है right. वो है तो important ही but right. you cannot get into customer experience directly at that time right. मतलब बाकी आपके शिकायतें तो आती हैं तो आपको पता लग ही जाता है कि क्या हो रहा है जब आपने जब सुकाया में द ब्रांड एस्टेब्लिश किया उस टाइम पे जब आई थिंक यू आर कंपीटिंग विद आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोकल ब्रांड आई थिंक उस टाइम एक बड़ा ब्रांड था माइक्रोटेक आई थिंक जो लॉन्च हुआ था उस टाइम पे राइट सो हाउ डिड यू क्रिएटेड दैट इंपैक्ट देयर कस्टमर ट्रस्टेड यू मोर देन एंड ऐसा 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 कुछ नहीं है क्योंकि माइक्रोटेक मेरे बहुत बाद में आया Okay, great. Future of solar is good, but the kind of solar what we need and what we are doing right now, we are only doing big projects. Okay. There is no small projects happening, and heavy to fail ho rahe hain because there are not good people. People don't understand the technology. Right. These challenges are going on. मुझे ये लगता है कि आपको सारे काम ऑर्गेनाइजेशन में आके आपको सारे काम हायरिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया विच वन शुड यू नो इफ सिलेक्टिंग योर वाइफ सो आप किसी भी स्टेज पे हायरिंग जो है जो टॉप हायरिंग है वो किसी पे छोड़ नहीं सकते यू हैव टू गेट इन्वॉल्व बिकॉज आपने अगर गलत चुन लिया किसी भी स्टेज पे तो एक ही बंदा गलत आपकी सारी जिंदगी की पार्ट लगा देता है So it's very, very important that one, you should learn all the parameters of the, you know, जो भी आपके departments हैं, जो आपने create करें या करना चाह रहे हैं, उसकी सबकी knowledge आपको होनी चाहिए। चाहे आज नहीं जानते आप कोई बात नहीं, जब बंदा लाते हैं, उससे सीखना शुरू करें। आदमी तो आते जाते रहते हैं, they can leave any, नहीं तो कभी भी आपको वो, you know, blackmail करेंगे। So it is important to learn all the spheres of the company and hiring is very important. And then monitoring. People who are coming. Actually, मैंने जो देखा है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सब कंपनियों का है मतलब चाहे छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी है Absolutely. एक जेडी बना देते हैं कि हाँ भाई ये जेडी है right. वो सब इंग्लिश होती है आप भी देखते हो उसमें right. कुछ स्पेसिफिक्स नहीं होते हैं कि भाई मेरे को तेरे से डिलीवरी क्या चाहिए right. ना वो जो हायर कर जिसको आप हायर कर रहे हैं ना उसको पता होता है ना आपको पता होता है तो assumptions बहुत रहती है right, right. तो अगर assumptions को हम जितना कम से कम करते चले जाएं right. एंड उसको क्लैरिटी दे भाई मुझे तेरे से ये चाहिए और ये फाइनेंशियल मैं तेरे को दूंगा और ये मेरे को तेरे को चाहिए क्योंकि दैट थिंग पुटिंग ऑन द पेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग अ कंपनी क्योंकि जो भी आदमी आता है वो भी अपनी अजम्पशन से होता है कि मैं ये करूंगा ये ले जाऊंगा या ऐसा करूंगा जी right. मैं ऐसा करूंगा एंड वो चैलेंज हमेशा कंपनी के अंदर चलता है थ्रू आउट द कंपनी ऊपर से लेके नीचे तक वो चैलेंज होता है कोई क्लैरिटी right. नहीं देता किसी को करना क्या लोग हायर कर लेते हैं लोगों को लेकिन उनको ये नहीं बताते तूने करना क्या मेरे को तेरे से स्पेसिफिक चार चीजें या पांच चीजें क्या चाहिए पेपर पे एंड इंग्लिश लिख के नहीं विद नंबर्स
what you do at your organization to handle this? So अभी तो मैं नई कंपनी चलाई है तो उसमें तो मैं बड़ा क्लियर हूँ. Okay. ये वाला चीज का ये वाला पेपर बनेगा, ये वाला चीज का ये पेपर बनेगा. एंड मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से हेल्प चाहिए इस केस में, क्योंकि हमें पता ही है सब्जेक्ट. तो क्लैरिटी देने बंदे को, तो ये दे दे, तो ये ले जा, ये दे दे, ये ले जा, नहीं तो भैया कुछ नहीं है. राइट, एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक एक और एक आज एक अक्सर ट्रेंड चेंज हो गया. पहले जो होता था कि दैट पीपल यूज्ड टू स्टे विद द कंपनी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, नाउ पीपल कम ऑन, मोस्ट ऑफ द पीपल कम ऑन असाइनमेंट बेसिस, दैट द एवरेज टेन्योर इज अराउंड 1 ईयर, 1.5 ईयर, नॉट मोर देन दैट. So, उसमें क्या रहता है, देखिए आजकल ना एक टैलेंट एंटरप्रेनर्स की तरफ से बहुत right. हो गया है कि हम चाहते हैं यार बंदा आया उसको ये फैसिलिटी right. भी दे दे, ये फैसिलिटी भी right. दे दे, ये फैसिलिटी भी दे दे, उससे कोई रिजल्ट नहीं आता. मैंने बहुत करके देख लिया. बंदे को जब तक आप प्रेशर में नहीं रखोगे ना कि ये तेरा काम है, ये तेरा रिजल्ट देने right. देना, ना तो टिकेगा आपसे ज्यादा दूर और ना आपको कोई रिजल्ट right. देगा. बहुत कुछ देके आपको गूगल शूगल की पॉलिसियां नहीं चलती. क्या बंदे को बोलो यार तेरे को ये चला, तेरे को मैं अपनी कंपनी का शेयर देता हूँ, मैंने वो भी करके देख लिया, कंपनी का शेयर दे दूँ, या मैं आज तेरे को यार तू ऑफिस आ, मैं तेरे को ये खेलने के लिए मौका देता हूँ, ये करने के लिए मौका देता हूँ, ऑल बुलशिट. इंडिया में तो बिल्कुल नहीं चलेगा. इंडिया में तो आपको बंदे को समझाना पड़ेगा, तेरे को ये पैसे दे रहा हूँ और ये तरह से रिजल्ट चाहिए. अगर मैं सर जो मैं तीन वर्ड बोलता हूँ मेरे बुक के जो नाम है जुनून जरूरत है जुगाड़, आपने सुना तो आपके दिमाग में क्या आया, मतलब आपको व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, व्हाट हाउ डू यू टेक दिस थ्री वर्ड्स इन योर लाइफ? सो देखिए जुनून होना बड़ा जरूरी है, ठीक है, एक एंटरप्रेनर के लिए, क्योंकि अगर जुनून ही नहीं होगा तो कुछ रिजल्ट नहीं ले पाएगा ना. क्योंकि हमारे आप बाजार में जाओगे, आपको मैं ये कर रहा हूँ, 10 लोग आपको बताएंगे यार तू बड़ा बेकार काम कर रहा है. राइट, ठीक है, दो ही लोग अप्रिशिएट करेंगे तो ठीक कर रहा है. तो अगर आपके अंदर जुनून नहीं होगा तो आप फिसल जाओगे, आप सोचोगे तो बेकार है. तो जुनून होना बड़ा जरूरी है, ठीक है. और क्या आपने बोला, जुगाड़. तो जुगाड़ मतलब आप कोई ना कोई काम ऐसा कर रहे हो जिससे आप कोई चीज का सलूशन निकाल रहे हो, ठीक है. तो हमारे जो मैक्सिमम जुगाड़ है, मुझे लगता है कि इंडिया में हम लोग जुगाड़ जुगाड़ करते रहते हैं. हमारे मैक्सिमम जो जुगाड़ है दे आर ऑल पेटेंटेबल. हमें ये नहीं पता लगता कि हम इसको पेटेंट भी करा सकते हैं. बाहर वाले इसको आइडिया बोलते हैं, हम जुगाड़ बोलते हैं. तो बाहर वाले अपने आइडियाज को पेटेंट करा लेते हैं, हम अपने आइडियाज को जुगाड़ कह के छोड़ देते हैं. तो आई थिंक हमारे जुगाड़ का जो वर्ड है दैट इज अ रॉन्ग वर्ड. वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली कि जो हम जुगाड़ कर रहे हैं इसका मतलब हमने कोई ऐसा सोल्यूशन किया जो बाकी कोई और नहीं सोच पाया था. कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू पेटेंट और नॉट? क्योंकि आप जो काम आप कर रहे हो आपको सोल्यूशन मिला और आपने देखा नहीं किसी को करते हुए. राइट, सो दैट मींस देयर इज अ आईडिया एंड दैट कैन बी पेटेंटेड. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड आपकी जो ये पॉलिसी थी पेटेंट कराने की वाली, डिड इट पेड ऑफ यू वेल? मतलब ऐसे कुछ? नो नो, पेड ऑफ वेल नहीं किया, लेकिन नॉलेज बहुत आई. ओके, पेड ऑफ वेल. इंडिया में पेटेंट की क्या वैल्यू है, जो मर्जी किसी को कुछ भी कर ले. तो 12-13 साल में तो पेटेंट ही मिल रहा था. और 10 साल के लिए ग्रांट होता है. Right. वो भी सब बकवास है. लेकिन क्या है ना, यू गेट लॉट ऑफ नॉलेज. अभी जैसे मुझे समझ आ गया पेटेंट का बेनिफिट, हमें उस टाइम बेनिफिट लेना भी नहीं आया. बट देन दैट इज अ लर्निंग ना. इट इज इम्पोर्टेंट, डूइंग पेटेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप कर रहे होते हो, आप स्ट्रगल कर रहे होते हो अपने कामों के लिए, नहीं पता लगता, नहीं पता. लॉट ऑफ एनर्जी इज गोइंग देयर, मतलब आप वेस्ट, गोइंग वेस्ट. यू आर राइट. एक सा चीज आप और देखिए कि जैसे पहले जो एवरेज बिजनेस की लाइफ होती थी, कोई भी आप नया मॉडल खड़ा करते थे तो वो 25 साल 30 साल एक फैक्ट्री भी लगा दी, आपने कोई प्रोडक्ट लगा दिया. धीरे धीरे जो स्पैन जो है अभी कम होता जा रहा है. आज आप कितने भी इनोवेटिव हो जाओ, आप कुछ भी बना दो, उसकी जो लाइफ है वो कम ही हो रही है, वो बढ़ तो रही नहीं. बिकॉज every second day there is a new product or a new service or a new concept or a new lifestyle is coming to challenge that product, right? I think it's a very good concept कि आप अभी international competition में हो. पहले international competition होता नहीं था, इंडिया में था, राज चलता था लोगों का कि भाई चलो ठीक है जी, लाइसेंस मिल गया, तुम धंधा कर लो, हमारी जगह कोई झगड़ा ही नहीं है. तो उसमें क्या हुआ, देखो आप जब ये वाला काम खत्म हुआ तो बड़ी सारी घराने खत्म हो गए. Right. जो बड़े अमीर अमीर घराने होते थे खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी कोई काम तो किया नहीं था.
उनको लेसन लेसन लेने आते थे, इजीली वो काम चल जाता था. सो आई थिंक कॉम्पिटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो फॉर द एंटरप्रेनर पॉइंट ऑफ व्यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिशन नजर नहीं आता वो, अब मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं था बाजार में, तो हमारे बंदे बदतमीज थे, बाजार में जाके बदमाशी करते थे. Okay. हम भी बदमाश, अपने आप को बदमाश समझते थे कि हम जो कहेंगे वही होगा. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग नोशन. कंपनी एंड एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज बी अंडर द कंपटीशन, ताकि वो फ्यूचर के लिए हमेशा तैयार रहे. Absolutely. So I don't think there is anything wrong in it. And जो नहीं रहेगा वैसे भी आज नहीं मरेगा कल मर जाएगा. Absolutely, sir. Bang on. आपका एक तीसरा पॉइंट था, आपने एक जुगाड़ बोला, एक पैशन बोला, और एक थर्ड क्या है? बड़ा था जरूरत. जरूरत, हाँ जरूरत बड़ी जरूरी है. देखिए जो भी अगर हमारे कोई, हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें कोई जरूरत नहीं है, बड़े सारे मेरे को एंटरप्रेन्योर मिलते हैं कि उनके पास बड़े अच्छे आइडियाज होते हैं लेकिन उनका कोई कस्टमर नहीं होता, तो उनको बोलते हैं तो कस्टमर नहीं है तो तेरे आइडिया को क्या करना है, चार डालना है. जरूरत बेसिकली द नीड ऑफ द कस्टमर. जो आप बना रहे हो मतलब आप अपने लिए तो बना नहीं रहे हो, आप बना रहे हो कंज्यूमर के लिए बना रहे हो. तो अगर कस्टमर ही नहीं है मेरे पास, मैं क्यों ऐसा आइडिया क्यों ले रहा हूँ, फिर तो मैं अपने दिमाग को मतलब अननेसेसरी वो हवाई दिमाग चला रहा हूँ और रिजल्ट कुछ नहीं आना ही नहीं है. Right. So we call them as revolutionary entrepreneurs. They want to create something which they think the entire world is idiot and we are creating something which, so my market is not ready for my product. So then we don't need you. We guide them to become social entrepreneur rather than into a mainstream, because I think there we need more of social revolutionary entrepreneurs, not in the mainstream. And that's what wonderful talking to you. मजा आ गया आपसे बात करके. और so where do you see yourself next 4 to 5 years? आपको लगता है कहाँ, मतलब what do you want to do again? You are restarting the entire thing now again and. आई थिंक जब कुछ आप मेरे केस में तो है कि मैं कुछ नया नया करता हूँ, नया करता रहता हूँ, नया प्रोजेक्ट लेके बैठ जाता हूँ, यार ये करना है, ये बनाना है, ये करना है, तो एनर्जी आती रहती है. और साथ में फेलियर भी होते हैं तो वो भी थोड़ी एनर्जी डिफ्यूज भी होती रहती है. लेकिन कुछ नया करने की जो वो जो पैशन है वो खत्म नहीं होता. और हमें आई थिंक मेरा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों एक ही है, आई सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लॉट ऑफ एरियाज. मुझे हर चीज में अपॉर्चुनिटी नजर आती है मेरे को, आप मानेंगे नहीं. मेरा जब मैं इवन जब वो शू पॉलिश करने जाता हूँ ना, जो मशीन लगी होती है, तो मुझे लगता है यार किसी बंदे ने साला ने काम ही नहीं किया इस पे, बेकार सी मशीन बनाई है, उसमें साला शू पॉलिश ही नहीं हो सकता ढंग से. Absolutely. तो यू नो आई सी अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग बट आई सी यार इस बंदे ने ये, या आप ये कह लीजिए गलतियां नजर आती है लोगों की. अभी अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, पहले तो मैनेजमेंट खड़ी कर रही है जिसमें मैं फेल ले रहा हूँ. तो मुझे अपने प्रूव करना अपने आप को कि यार मैं मैनेजमेंट का फेलियर नहीं हूँ. उसमें भी इनोवेशन का काम कर रहे हैं, अपने थॉट लेके चलो यार ऐसे नहीं ऐसे मॉनिटरिंग करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे मॉनिटरिंग करेंगे, पे स्केल ऐसे नहीं ऐसे देंगे. तो कुछ लोग सेट हो रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं, ठीक है. मतलब अपने थॉट से ही चल रहे हैं. हायरिंग के अंदर भी हम ये थॉट लेके चल रहे हैं, भैया शेयरिंग पे आ जा, अगर तू खाली सैलरी लेना चाहता है तो नॉट इंटरेस्टेड. तो 100 बंदे चले जाते हैं, एक रुकता है, उसे एक पे दिमाग लगा रहे हैं. तो यू नो कॉन्सेप्ट हैज चेंज्ड, आई हैव चेंज माई कॉन्सेप्ट ऑफ सैलरी एंड अदर थिंग्स वेयर मैनेजमेंट में भी मुझे ये चाहिए तेरे से. सो आई थिंक आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई कैन डू अ गुड यू नो मैनेजमेंट दिस थिंग. एंड मैनेजमेंट में तो कोई प्रिंसिपल चलते नहीं, आपको ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, और वो हम बड़ा कुछ करके आए हैं, हम एम्प्लॉय को बहुत कुछ दे के आए हैं, उसको ओवर दे के आए हैं, जिसमें हमने देख लिया उसका कोई रिजल्ट नहीं आता.
एम्प्लॉई एक ही चीज में रिजल्ट देता है, उस पर कॉन्स्टेंट प्रेशर होए, उसकी कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग होए। तो देखिए वो तो मैं मतलब आई थिंक अराउंड 2001 में मैंने काम किया था कंपनी में, इसका नाम था ओनिक्रा, ओनिडा की कंपनी थी, तो उसमें हम लोग क्रेडिट रेटिंग करते थे। सो उसमें एक बड़ा स्टेटमेंट होता था दैट ये बना चांस एवरीबॉडी विल चीट। सो आपके सिस्टम कंट्रोल कैसे बनते हैं, दे मेक पीपल वर्क एंड दे मेक पीपल पे द ड्यूज, अदरवाइज इफ यू लीव इट ओपन एवरीबॉडी विल चीट, राइट? बिकॉज़ वी आर ह्यूमन, टेंडेंसी इज टू नॉट टू वर्क एंड टेक एवरीथिंग फॉर फ्री। दैट्स हाउ आवर सिस्टम वर्क्स। That statement is still in my mind that you can't leave it open. You have to put control, you have to put system, you have to put... Very strong. Otherwise, you can't do that. Fantastic, sir. It was a wonderful topic talking to you and I'm going to talk to you.